गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं अपने पिछले ब्लॉगों में लगातार पहाड़ के मिजाज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे इस ब्लॉग में आप आज ग्रामीण क्षेत्र के जो शौकीन लोग हैं, फूलों की खेती तो नहीं करते बट अपने घर आंगन में लगाते हैं, और शहर के जो लोग हैं, जहाँ भी लेंटर में जगह मिले, बरामदे में जगह मिले, जहाँ कहीं भी वो जगह होती है उनके आसपास, वो फूल भी लगाते हैं और फूलों के प्रति उनका रुझान रहता है। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में फूलों की प्रति जो दीवानगी है उन लोगों की, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फाइनली दोस्तों, मैं पिथौरागढ़ पहुँच गया हूँ। ये एयरपोर्ट पे जा रही है दोस्तों, ये रोड सीधे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। रोड पे सीधी रोड है, यह है नैनीसैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ जिले का एकमात्र हवाई अड्डा। ये देखिए, मैं आपको इसके व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए नैनीसैनी एयरपोर्ट, ये देखिए दोस्तों, सामने आपको पूरा एयरपोर्ट दिखाई देगा। और ये देखिए, अभी ये बंद पड़ा हुआ है, इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू हैं। ये देखिए सुंदर व्यू है, और सामने एयरपोर्ट के बगल में गांव भी दिख रहे हैं, और इधर पंडा जाजरदेवल वाला ये क्षेत्र है। ये देखिए ऊपर पहाड़ी दिख रही है, ये चंडा की वादियां दिख रही होंगी आपको। ये देखिए बहुत सुंदर लोकेशन में बना हुआ है ये एयरपोर्ट है। ये 1993 से निर्माणाधीन है, और अभी इसमें सुचारू सेवाएँ नहीं स्टार्ट हुई हैं। अभी देखो कब तक हो पाएगा ये सीमांत के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। दोस्तों ये पंडा बाईपास मार्ग है। ये देखिए दोस्तों, ये पिथौरागढ़ का एकमात्र रॉयल सिनेमा पिक्चर हॉल है। यहाँ आप फैमिली के साथ आके आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए पंडा बाईपास मार्ग के बीच में मानस अकेडमी, शहर का बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, और ये बाईपास पंडा फार्म आ गया है। ये देखिए, ये आपको मैं पंडा फार्म दिखा रहा हूँ। बायो रिसर्च सेंटर है ये, बायो रिसर्च सेंटर, और पूरी बाउंड्री है। और इधर नैनीसैनी एयरपोर्ट का आप नज़दीक से देख रहे होंगे व्यू, एयरपोर्ट की दीवार भी दिख रही है। दोस्तों ये देखिए, ये अब हम पंडा पहुँच गए हैं, और ये पंडा का तिराहा है। ये शहर की मुख्य रोड है, ऊपर से आती है। ये देखिए शहर की मुख्य रोड। जय श्री श्री एक हज़ार सिद्धनाथ बाबा का यहाँ पर मंदिर है, और ये हाल ही में इसका निर्माण हुआ है। आज आपको फूलों की एक पूरी श्रृंखला दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, फूलों की नई रेंज है। ये देखिए शानदार फूल खिले हैं। आज मैं अपने रिश्तेदारी में गया हूँ, तो मैं आपको फूलों की नई रेंज ही दिखाऊंगा। ये देखिए शहर में शानदार तरीके से लोग फूलों को लगाते हैं। ये देखिए, सारे गमले वाले फूल हैं। ये देखिए एकदम मस्त लग रहा है, इसने मकान की सुंदरता में चार चार लगा दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये गमले वाले फूल हैं सारे। ये देखिए, देखिए एलोवेरा का पेड़ है। ये देखिए दोस्तों, ये सूरजमुखी का पेड़ है, इसका लंबा तना होता है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत गौर से। ये देखिए भावरा, भावरे आनंद ले रहे हैं।
भैंस का, ये देखिए। ये सारे गमले वाले फूल हैं, ये देखिए, एक से एक ज़बरदस्त उन्नत किस्म के आपको मैं फूल दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये गुलाब का फूल मस्त खिला हुआ है, ये देखिए। ये अंगूर का पेड़ है दोस्तों, ये देखिए, इसमें मीठे मीठे अंगूर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए, तो मस्त अंगूर लगे हुए हैं, ये देखिए, और ये देखिए मस्त अंगूर, ये देखिए, ये देखिए, ये भी फूलों की नई रिंज है, ये देखिए मस्त फूल खिले हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरी मकान की सुंदरता में इन्होंने दोस्तों, ये देखिए, ये माता लक्ष्मी और इसमें तुलसी लगी हुई है। इसको पहाड़ में लोग वेदी बोलते हैं, इसकी पूजा की जाती है शाम को और इसका व्रत लिया जाता है, उसके उपरांत इसका उद्यावन किया जाता है। ये देखिए, एक गुलाब का वृक्ष टाइल के मध्य लगा हुआ है। हेलो, ये देखिए दोस्तों, इसका नाम बनी है और ये सिर्फ 2.5 महीने का है अभी, और इसके लिए बाज़ार से कैल्शियम मिलती है, कैल्शियम की हड्डी मिलती है। देखिए, ये मक्का लगा रखा है इन्होंने, ककड़ी का बेल है, ये सेम लगी हुई है, सेम, ये देखिए, इधर मिर्च लगी हुई है सामने, ये देखिए, इस खेत को पूरा घेराबंदी करके रखा गया है और इसमें सब्जियां बोई गई हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के फूल हैं, ये देखिए, ये डहलिया का फूल है, ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही फूल लगाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आज ज़बरदस्त बारिश होने के कारण दिन में ये पूरा फूल का पौधा नीचे झुक गया, और ये देखिए किस कदर फूल खिले हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये भी फूलों की एक प्रजाति है और इस पर फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये दोस्तों, ये 100 पीस फूल का पेड़ है, इसमें फूल तो आते नहीं, पर इसकी सुंदरता देखिए। ये देखिए, ये एलोवेरा, हजारी, डहलिया, ये इसको केलड़ी बोला जाता है पहाड़ में, ये देखिए, ये तुलसी, ये अलग अलग प्रकार के फूल के पौधे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मोरपंखी का वृक्ष है, और ये देखिए, ये तरह तरह के आपको, ये देखिए, छोटा फूल का पेड़ है और इसका फूल तैयार होने वाला है, ये देखिए, ये हजारी का फूल है, ये बहुतायत मात्रा में स्वतः ही पहाड़ में उग जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक गमले में, बाल्टी में उगने वाला नागमनी का पौधा है,
फूलों की एक प्रजाति है। इसको अमूमन घर की छत पे रखा जाता है। आजकल पहाड़ों में अब स्लेट का प्रचलन खत्म हो गया है, अब टिन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो इसको घर की छत पे न रख के इसको आंगन में रखा गया है। और ये देखिए, ये भी भिन्न प्रकार के फूल हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है, देश दुनिया में फूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहाड़ भी अछूता नहीं है। पहाड़ का ग्रामीण क्षेत्र हो, पहाड़ का शहरी क्षेत्र हो, यहाँ लोग अपने घर आंगन में जितनी भी जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर फूलों को लगाते हैं। और जुलाई का अभी ये दूसरा सप्ताह चल रहा है और इस समय पहाड़ में पौधारोपण का कार्य भी ज़ोरों से चलता है। दोस्तों, मुझे बड़ी सुखद आनंद की अनुभूति होती है जब मैं गांव में विचरण करता हूं और लोगों को पाता हूं कि लोग भी बड़े शौकीन होते हैं और तरह तरह के उनके गार्डन में फूल लगे हुए हैं। और मुझे भी आज मौका मिला और मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। फाइनली दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? आज मैंने आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश की है। ज़रूर मेरे नए ब्लॉग में आप कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।